जय हिंद गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइट के ऊपर। कि जैसा कि बहुत सारे बॉलर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या भैया हाइट बढ़ाना पॉसिबल है नेचुरली, हाइट का कितना बड़ा रोल होता है हमारी फास्ट बॉलिंग स्पीड में, और क्या हाइट बढ़ाने से हमारी फास्ट बॉलिंग स्पीड इंप्रूव होगी या नहीं होगी। तो गाइस मैं आज आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से। तो गाइस आप पूरी वीडियो अच्छे से देखना, और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए गाइस हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि क्या हाइट से हमारी बॉलिंग स्पीड इफेक्ट होती है, क्या हाइट बढ़ाने से हमारी बॉलिंग स्पीड इंक्रीज होगी। आप वर्ल्ड के टॉप फास्ट बॉलर देखोगे, जरूरी नहीं होता है गाइस कि जिनकी सबसे ज्यादा हाइट है वही सबसे ज्यादा तेज बॉल डालते हैं या फिर वही सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगर गाइस बात करूं डेल स्टेन की, तो डेल स्टेन की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी हाइट 5 feet 9 inches है, जो कि कोई इतनी ज्यादा हाइट नहीं है। स्टिल वो अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर रहे हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। और गाइज आपको एक और एग्जांपल दूंगा, वो है कमलेश सिंह नागरकोटी का, जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, जो कि 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड बैरियर टच कर रहे थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जब वो 18 ईयर ओल्ड थे। और आपको बता दूंगा गाइज उनकी जो हाइट है वो सिर्फ 5 feet 6 inches है, 5 feet 6 or 7 के अप्रॉक्स होगी। गाइज आप सोच सकते हो गाइज की हाइट का इतना ज्यादा कोई रोल नहीं होता, रोल होता है गाइज की अट्रैक्टर्स का। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था कि की अट्रैक्टर्स क्या होते हैं, जिनको नहीं मालूम तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखना। तो गाइज आप समझ सकते हो कि हाइट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है फास्ट बॉलिंग स्पीड में। ऐसा नहीं होता कि जितनी ज्यादा हाइट रहेगी उतना ज्यादा आपकी बॉलिंग स्पीड रहेगी। फास्ट बॉलिंग में हाइट का सिर्फ इतना एडवांटेज होता है कि आपको विकेट से ज्यादा बाउंस मिलेगा या फिर आप बैट्समैन के ऊपर थोड़ा मेंटली ज्यादा डोमिनेट कर पाओगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस कि अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो आप बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे होगे, या फिर हाइट आपकी बिल्कुल कम है तो आपसे बिल्कुल अच्छी तरीके से फास्ट बॉलिंग नहीं होगी या फिर आप अच्छे फास्ट बॉलर नहीं बन पाओगे। ये एक इंडिया में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चलता है कि फास्ट बॉलर को हाइट चाहिए, हाइट नहीं होगी तो फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अगर आपके पास की अट्रैक्टर्स हैं, अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके पास माइंडसेट है, तो डेफिनेटली आप कितने भी छोटे हो, अगर आप 5 feet 3 inches के भी हो, इवन आप 5 feet के भी हो गाइस, तो आप गाइस टॉप लेवल की फास्ट बॉलिंग कर सकते हो। गाइस ये बात मैं थ्योरिकली नहीं बोल रहा हूँ, ये गाइस प्रैक्टिकली भी देखा होगा आपने। आपने टॉप लेवल के फास्ट बॉलर देखे जैसे कि डेल स्टेन, कमलेश सिंह नागरकोटी, जो जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, स्टिल वो वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर है। तो आप सोच सकते हो गाइस कि फास्ट बॉलिंग स्पीड में हाइट का कोई रोल नहीं होता है। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि क्या हाइट नेचुरली इंक्रीज की जा सकती है, हाइट इंक्रीज करना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक गाइस, हाइट कंप्लीटली जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके मदर और फादर के जो जेनेटिक्स रहेंगे, जितनी हाइट आपके जो जेनेटिक्स के थ्रू आ रही होगी, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर के भी फादर, वो वाले जो जेनेटिक्स चले आ रहे होंगे गाइस। इसलिए गाइस आप हाइट की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लिया करो, क्योंकि हाइट कंप्लीटली नेचुरल होती है। हाँ ये जरूर हो सकता है गाइस कि अगर आपको अपना जो पोटेंशियल है हाइट का वो अचीव करना है जल्दी से, तो आप बहुत सारी चीज कर सकते हो, जैसे कि आप स्ट्रेचिंग वर्कआउट कर सकते हो। स्ट्रेच, फुल बॉडी स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी मसल्स को रिलीज करने के लिए, आपकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कर सकते हो गाइस, वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी रहेगी, आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी रहेगी, जो कि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है गाइस, तो ये हो सकता है गाइस कि आपकी जितनी हाइट जेनेटिक्स के थ्रू बढ़ने वाली होगी गाइस, वो नहीं बढ़ पाएगी। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है गाइस कि जिनकी डाइट में, जिनकी न्यूट्रिशन में प्रोटीन, कैल्शियम और अदर विटामिंस और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है गाइस, तो उनके साथ यही होता है गाइस कि जितने हाइट का पोटेंशियल उनके पास होता है जेनेटिक्स के थ्रू, वो उतनी हाइट भी अचीव नहीं कर पाते। तो गाइस अगर आपको नेचुरली हाइट बढ़ाना है, तो गाइस आप हमेशा अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन रखिए, प्रॉपर वर्कआउट करिए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग वर्कआउट करिए, तो आपकी हाइट जितना पोटेंशियल होगा आपके पास उतनी हाइट आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप मुझसे जो इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे लोग कि यार हाइट कैसे इंक्रीज होगी, क्या हाइट इतनी इतनी है तो क्या मैं फास्ट बॉलर बन सकता हूँ, आप ये सारी चीज़ें दिमाग से हटा दीजिए, आप बिंदास होकर बॉलिंग करिए। कुछ नहीं होता हाइट से, हाइट एक बस बहुत मिनिमल रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये वाले पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तकली गुड बाय एंड जय हिंद।